कि जंगल का राजा कौन होता है। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी है एक शेर और लोमड़ी। और इस कहानी का नाम है बोलने वाली गुफा। क्या नाम है? बोलने वाली गुफा। ठीक है, तो सुंदर वन में एक शेर रहता था। कौन रहता था बच्चों? ठीक है, तो वो उससे सब जानवर परेशान रहते थे। क्या करते थे? परेशान रहते थे उससे। सब जानवर परेशान रहते थे। तो वो शेर क्या करता था? वो जंगली जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, क्या करता था? शिकार। इससे जानवर क्या होते थे, इससे परेशान होते, इधर उधर भाग जाते। एक बार क्या हुआ कि उस शेर को बहुत दिन तक कोई शिकार नहीं मिला। तो शेर परेशान हो गया, तो वो अपनी गुफा से बहुत दूर चला गया। ठीक है, जब अपनी गुफा से बहुत दूर चला गया तो उसे एक बहुत बड़ी एक गुफा दिखाई दी। ठीक है, क्या दिखाई दी बच्चों? गुफा। वो गुफा एक लोमड़ी की थी। किसकी थी बच्चों? लोमड़ी थी। शेर ने सोचा, क्या सोचा शेर ने? कि मैं इस गुफा के अंदर जाता हूँ और इस गुफा में जो भी रहता है फिर मैं उसका शिकार कर लूंगा। ठीक है, तो शेर उस गुफा के अंदर चला गया और वहां जाके आराम से बैठ गया। ठीक है, बैठ गए हो, फिर क्या होता है, लोमड़ी अपना शिकार विकार करके क्या कहते हैं आ जाती है। ठीक है, लोमड़ी आती है, तो लोमड़ी जब आती है, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। कैसा जानवर है? चालाक जानवर है लोमड़ी। ठीक है, तो उसको जो है जमीन पे गुफा के पास शेर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। तो फिर लोमड़ी सोचने लग जाती है, लोमड़ी सोचने लग जाती है कि ये निशान कैसे है। ठीक है, तो वो देखती है कि निशान जाने के तो है ना, निशान जाने के तो है लेकिन आने के नहीं है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आता है बच्चों? आइडिया आता है कि कैसे पता लगाए कि गुफा के अंदर कोई जानवर है या नहीं। नहीं, अरे वो मेरी प्यारी गुफा, तो लोमड़ी जो है ये सोचती है कि आज मैं आवाज लगाती हूँ अपनी गुफा को, देखती हूँ कि मेरी जो मैं तरकीब में सोच रही हूँ वो काम आएगी या नहीं। तो लोमड़ी कहती है गुफा से, और कहिए गुफा जी सब ठीक है? तो शेर उसकी आवाज सुन के सोचने पड़ता है। वो सोचता है कि गुफा बोलती है, फिर वो चुप रहता है। उसके बाद लोमड़ी फिर से कहती है, गुफा ओ प्यारी गुफा, क्या तुम मेरा आज स्वागत नहीं करोगी? क्या तुम मुझे आज अंदर आने नहीं दोगी? क्या कोई जानवर अंदर छिपा बैठा है जिसके डर से तुम नहीं बोल रही हो? किसने कहा ये बात? लोमड़ी ने। और किससे कही है? जिसे क्या गुफा बोलती है। तो शेर सोचता है, शेर सोच रहा है अपने मन में, अरे ये गुफा जरूर बोलती होगी है ना, और आज मेरे डर से ये चुप है। ठीक है, आज मेरे डर से ये चुप है। तो फिर लोमड़ी लास्ट में फिर कहती है, अरे गुफा अगर मुझे अंदर बुला रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चली। तो शेर सोचता है कि मेरे हाथ से आया हुआ शिकार क्या हुआ बच्चों? निकल जाएगा है ना, तो मैं क्या करूं कि उसने क्या था? अरे मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं याद मत करी, मैं नहीं तुम अंदर आ गया देर कितनी हो गया। तो उसने कहा, शेर बोला कि तुम जो है अंदर आ जाओ बेफिक्र होके, कि अंदर कोई भी जानवर नहीं है। ठीक है, अंदर कोई भी जानवर नहीं है। तो लोमड़ी क्या करती है, शेर की आवाज सुन के अपने सिर पे पैर रख के भाग जाती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें विपरीत परिस्थितियों में यानी बुरे वक्त में परेशानी के समय में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं।